बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। मैं उस्ताद ग़ुलाम रसूल। आज का मौजू है बकरी पालने वाले हज़रात के नाम अहम पैगाम है, और ये वीडियो मुकम्मल देखें। आपको बहुत ही एक हसास चीज़ मैं बताने वाला हूँ। और प्यारे दोस्तों, जब आप बकरियाँ पालते हैं, जैसे ही आप बकरियां पालते हैं, चाहे ज़्यादा या कम, तो सबसे पहले आप एक काम किया करें। आप एक किसी अच्छे से डॉक्टर के साथ जो है रابطہ करें और उससे मशवरा करें, और जो भी एक रोज़मर्रा की बीमारियां हैं, जैसा कि बुखार, नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, मोशन, बदहज़मा, मैदे में जहर हो जाना, इसके अलावा जानवर की कोई पट्ठों का आम मसला बन जाता है, लंगड़ापन करना शुरू हो जाता है, और इसके अलावा जानवर की भूख ना लगना, यानी जो भी रोज़मर्रा की एक चीज़ें हैं जो जानवरों में आम होती रहती हैं, या जानवर जो डिलीवरी से पहले उसका क्या करना है बकरी का, और बाद में उसको क्या चीज़ देनी है, और छोटे जो बच्चे हैं उनका हमने पहली खुराक कौन सी देनी है, बाद में उसकी कैसे केयर करनी है, आपने तमाम वो अपने यहाँ डॉक्टर से टाइम लेकर मुकम्मल जो भी मेडिसिन ज़रूरत होती है वो आपके यहाँ पहले मौजूद होनी चाहिए, आपके अपने शेड में होनी ज़रूरी है। सही है जी। चूँकि जब आपका जानवर बीमार होता है, फिर आप जब पूछना शुरू करते हैं, और उसके बाद आपके यहाँ वो मेडिसिन नहीं होती, या कोई देसी नुस्खा हो वो नहीं पड़ा होता, फिर आप लेने जाते हैं, उधर आपसे दूर दराज भी हो सकता है वो जहाँ से आपने चीज़ लेनी है, फिर अगर जब देर होती है तो जानवर जो होते हैं वो एक्सपायर हो जाते हैं। जैसा कि एक देख लें, अफारा है। अफारे का ऐसा है कि बार बार इलाज ना हो, अफारे वाला जानवर एक्सपायर हो जाता है। अगर बदहाजमा जानवर को हो जाए, उसका भी बार वक्त इलाज ना हो, वो एक्सपायर हो जाता है। इसके अलावा अगर मैदे में जहर हो जाए, जिसे हम जहर बात कहते हैं, वो हो जाए और उसका इलाज ना हो, तो जानवर एक्सपायर हो जाता है। इसके अलावा अगर बुखार हो और बुखार हाई स्टैंडर्ड तक चला जाए, तो वो जानवर को वो भी जानलेवा हो सकता है। ये जो छोटी मर्जें हम कहते हैं, ये छोटी नहीं होती, दरअसल ये भी बहुत मूजी होती हैं। तमाम चीज़ों का आपको इल्म होना चाहिए, और आपके यहाँ मुकम्मल तमाम जो देसी नुस्खे हैं, या आप डॉक्टर से जो मेडिसिन लेते हैं एलोपैथिक, वो आपके यहाँ मुकम्मल दवाई मौजूद होनी चाहिए, फिर आप डॉक्टर से रابطہ कर सकते हैं, और एक डॉक्टर के साथ आप मुकम्मल रابطے में रहें, आप रابطہ कर सकते हैं, वो जो भी मेडिसिन कहेगा वो आपके यहाँ होगी, वो आप इस्तेमाल करेंगे, फिर बाद में तो आप डॉक्टर आपका देखता भी रहेगा, और कुछ भी आप और ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ और जो एक इमरजेंसी के लिए होता है, आपका इमरजेंसी स्टोर मेड आपके शेड में होना चाहिए, आपके घर में होना चाहिए, वही जगह जहाँ आपका शेड है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपके वक्तन फवक्तन जो है जानवर वैसे जो है आम सी मर्ज़ की वजह से एक्सपायर हो जाएंगे, या आपको फिर जानवर वो ज़्यादा ख़राब हो जाएगा, तो फिर भी जानवर एक्सपायर के बराबर हो जाता है। तो प्यारे दोस्तों, उधर जो है आप जब चैनल पर अपना टाइम ज़ाया करते हैं, वीडियो देखते हैं, और जो भी आपको वीडियो अच्छी लगे किसी भी फार्मर की, मेरी या किसी और की, कि ये मेडिसिन या देसी नुस्खा सही है, तो फिर आप ऐसा किया करें कि वो जो है अपने पास वो नोट कर लिया करें, और आप लिख लिया करें कि ये मर्ज़ हो जाए तो इसका ये इलाज करना है, देसी है या कोई मेडिसिन वगैरह जो भी है। तो आप जब अगर देखते रहते हैं चैनल भी, और फिर भी आपके जानवर जो हैं
वैसे एक्सपायर हो जाते हैं। कितने दोस्त हैं जो मुझे कहते हैं कि मेरे जानवर को तो वैसे जी अफारा हुआ और जानवर एक्सपायर हो गया, और जानवर को बुखार हुआ आम सा और एक्सपायर हो गया, सुबह उठे हैं तो एक्सपायर हुआ पड़ा था। तो प्यारे दोस्तों, इसीलिए ना अपने नुकसान को बचाने के लिए आप अगर वीडियो, मेरे अपने ज़ाती जो चैनल के दोस्त हैं, मैं समझता हूँ मेरी ज़ाती 500 से ज़्यादा वीडियो मौजूद हैं और उसमें कोई ऐसी मर्ज नहीं है जिसका इलाज ना हो, तो आप अगर देखते हैं जब तो पूरी वीडियो देखी और पूरा उसका चीज़ को जो है वो आपके यहाँ मर्ज भी और उसका इलाज भी लिख लिया करें, ताकि जब आप 20 या इससे ज़्यादा यानी मर्ज़ें ज़्यादा हैं, तकरीबन आप चैनल एक 6 महीने साल देखते हैं, तो आपको ऐसा होता है कि आप मुकम्मल माहिर हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जब और दोस्त भी हैं और मैं तो यकीनन नेकी के लिए काम करता हूँ, और जब मैं अपना टाइम निकालता हूँ, बातें बताता हूँ जो मेरे नॉलेज में हैं, तो फिर आप अपने हाँ जो है वो महफूज कर ली करें, ताकि आप दूसरों के काम आ सकें और आपके अपना काम जो है उसके लिए भी आपको किसी से कॉल करने की या डॉक्टर को बुलाने की ज़रूरत ना हो। जैसा कि कुछ बड़ी मर्ज़ें होती हैं तो फिर उनके लिए जैसे कोई टांग टूट गई या PPR बहुत ज़्यादा हाई क्लास पर चला गया या कोई ऐसे वैसे मसले होते हैं, तो वो डॉक्टर से फिर बुलाई जा सकता है और उनके लिए मशवरा भी लिया जा सकता है। लेकिन अपने यहाँ जो हो तमाम मर्ज़ों का आपके यहाँ इलाज के लिए जो भी मेडिसन है या देसी नुस्खे हैं वो होने ज़रूरी हैं। मेरे ख़्याल में आप समझ गए होंगे। जो दोस्त भी ख़ासकर मेरी वीडियो देखता है, मेरा उनके लिए ये एक स्पेशली एक मेरी रिक्वेस्ट है कि मैं ऐसे हवा में कोई वीडियो नहीं बनाता। मेरा भी आखिर कुछ उसमें तजर्बा और कुछ जो चीज़ें होती हैं समय सोच कर बताता हूँ, तो आप उसमें मेहरबानी करके अपने यहाँ वो लिख कर महफूज कर लिया करें। हर फार्मर को चाहिए कि अपना एक रजिस्टर हो और उसमें तमाम जो चीज़ें हैं वो लिखे चले जाए। जब आप 6 महीने 8 महीने मेरा चैनल मुकम्मल देखेंगे, तो आपको जो भी जानवरों की मर्ज़ें हैं या डिलीवरी के मसाइल हैं या PPR है, जो भी है, आपको तमाम चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा आप मज़ीद किसी डॉक्टर से भी ये मिलकर तमाम चीज़ें लिखवा सकते हैं, और जब ये तमाम चीज़ें आपके यहाँ नोट होंगी और आप जब लिखते जाएंगे तो आपको ज़बानी भी याद होती जाएंगी, तो फिर मैं समझता हूँ आप जो है अपने आसपास में किसी न किसी दोस्त के काम आ जाएंगे। और जैसा कि आप भी जानते हैं कि ज़िंदगी का मकसद भी यही है कि आप किसी दूसरे के काम आ जाएं। अगर आप खुद माहिर बन जाएं और किसी एक बंदे का एक जानवर भी आपने बचा लिया, तो शायद उसकी कितनी आपको नेकी हो जाएगी और अपने लिए भी आपको कितना ज़्यादा फ़ायदा हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, मैं ख़ुद भी ऐसे ही था जैसे आम होते हैं, को माँ के पेट से तो पढ़ा लिखा आता नहीं, तो मैंने भी यही तरीका किया। जो भी मैं किसी डॉक्टर के साथ मिलता, उसके साथ मशवरा करता और उसको मैं ज़हन में बिठाता, और फिर वक्त टाइम में मैंने 28 साल से ऊपर हो गए मैंने फार्मिंग की, तो मैंने तमाम चीज़ों को मैंने समझा और आजमाया, और उसके बाद मैं दोस्तों को बताने की पोजीशन में हूँ। ऐसा नहीं है कि इंसान का कोई फारिग टाइम होता है कि इंसान ऐसे लोगों का भी नुकसान करे और अपना भी टाइम ज़ाया करे, ऐसे नहीं होता। और कोई करे तो हरदम कर ले, मैं तो ऐसे काम पर 2 नंबरे कारोबार पर 1000 मरतबा लानत भेजता हूँ, और सच्चे दिल से दोस्तों के लिए भलाई के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो प्यारे दोस्तों, आप मेरी वीडियो मुकम्मल देख ही करें और देख कर उसके जो मशवरे हैं वो लिखते रहें, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा। अब इजाज़त चाहता हूँ अगली वीडियो तक। अल्लाह हाफ़िज़।